तब तो भगवान की देन है। हाँ, डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से। आज तारीख है 19 अगस्त। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है जिसमें लोग राखियां बांधते हैं। राखी का मतलब होता है कि एक बहन दूसरे भाई अपने भाई के लिए दीर्घायु दीर्घायु कामना करती जी जी है जी और बिल्कुल ठीक रहे, सब बढ़िया रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश में, ये सब चीजें हिंदू सनातन धर्म में। तो सनातन धर्म के ये है मैडम कोमल मिश्रा। आज ये हम लोग बात कर रहे हैं एक पेशेंट के बारे में, लेकिन मैं रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में कुछ और बताना चाह रहा था कि जो त्यौहार ये शुरू हुआ है, इस तरह के त्यौहार किसी और धर्म में नहीं है जहाँ पे बहन कामना करे। जन्माष्टमी का त्यौहार, कृष्ण भगवान आना, उनके जन्म है जन्माष्टमी, थोड़े दिन बाद होने वाली 25 अगस्त 26 अगस्त को है। तो पूरे डॉक्टर साल में मैं इतने हमारे मतलब त्यौहार होते हैं कि आदमी उस को खुशी मनाने का मौका मिलता रहता है। हिंदू धर्म, पहले दिवाली, फिर जी होली, बीच में नवरात्रे, फिर भगवान का, फिर राम का जन्म, रामनवमी। नहीं तो ये अच्छी जी बात है, इसे ऐसे इसे इसे वे टू सेलिब्रेट। तो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द रक्षाबंधन फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन एंड विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। इस इन इंग्लिश थोड़ा सा ट्रांसलेशन करते हैं फॉर माई इंग्लिश व्यूअर्स, दैट रक्षाबंधन इज ए सेलिब्रेशन वेयर द सिस्टर दे प्रे टू गॉड फॉर द लॉन्ग लाइफ एंड गुड लाइफ ऑफ द ब्रदर्स, एंड दैट इज वाई दे टाई ए नॉट ऑन द अराउंड द रिस्ट, एंड दैट इज वाई दे प्रे टू गॉड। एंड दिस सेलिब्रेशन एंड ऑल द सिस्टर्स दे गो टू द ब्रदर्स प्लेस एंड ब्रदर्स गो टू द सिस्टर्स प्लेस। दैट एक पेशेंट हैं जिनको हमने 4 स्टेंट लगाए थे, 3 स्टेंट लगाए थे, 2 राइट कोरोनरी आर्टरी में और 1 लेफ्ट में लगाया था। और रिसेंटली इनको एंजाइना हुआ। जब किसी पेशेंट को स्टेंट लगने के 6 महीने के अंदर एंजाइना होता है तो एक दिमाग में आता है कहीं ऐसा तो नहीं स्टेंट फेल हो गया हो। फेल मतलब यह कि स्टेंट के अंदर फिर से रुकावट आ गई हो। इसको कहते हैं इंस्टेंट रिस्टिनोसिस, विच इज देयर स्टिल इन 2% ऑफ पेशेंट। यानी कि इन 2% ऑफ पेशेंट द पेशेंट स्टेंट द पेशेंट विल हैव 2 आउट ऑफ 100। दैट मीन्स आउट ऑफ 100 पेशेंट 2% पेशेंट कैन हैव रिकरेंस इन साइड द स्टेंट। एंड सो आई वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल एंड आई कॉल द पेशेंट कि लेट अस डू एंजियोग्राफी। तो मैंने इनकी एंजियोग्राफी के लिए प्लान किया और आज इनकी एंजियोग्राफी करी। एंड टू माई वेरी प्लेजेंट सरप्राइज ऑल द 3 स्टेंट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, एब्सोल्युटली। दैट मीन्स नॉट इवन अ सिंगल परसेंट ऑफ रिस्टेनोसिस इज देयर। आई विल शो यू द एंजियोग्राफिक फिल्म। मैं आपको एंजियोग्राफिक फिल्म दिखाऊंगा और उसमें दिखाएंगे कि हाउ ऑल द स्टेंट्स विच वर डिप्लॉयड, बिकॉज वी हैड डिप्लॉयड फ्यू स्टेंट्स विच आर एक्चुअली लॉन्ग स्टेंट्स। लॉन्गर द साइज ऑफ द स्टेंट्स यू हैव मोर चांसेज ऑफ रिकरेंस। तो दिस इज द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एज यू कैन सी, दिस इज द लेफ्ट डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम एंड आई हैड पुट 1 स्टेंट इन द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड विच इज फुल्ली पेटेंट। देर वॉज ऑलरेडी 100% ऑक्लूजन ऑफ द OM2 ब्रांच विच वी हैव लेफ्ट ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट। एक ऑलरेडी एक जगह 100% ब्लॉक था जो छोटी सी ब्रांच में थी, उसको हमने 100% था और लेकिन क्योंकि वो कोलेक्टुलर भर से भर रही है आगे देखा तो वी डिड नॉट डू एनी थिंग। तो दिस इज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, दिस इज OM1 और यू कैन से रैमस और OM1 ब्रांच। नाउ वी गो टू द अदर व्यूज। सो दिस वॉज द लेफ्ट शॉट वी टुक। वी वर वेरी हैप्पी दैट दिस पेशेंट इज हैविंग ए नॉर्मल स्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड। यानी कि हम बड़े खुश हुए कि देख के कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में नॉर्मल है। नाउ दिस इज द राइट, वी आर डूइंग फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं और ये एंजियोग्राफी किया। देखिए आप, देखिए पेशेंट, आप भी देखिए अशोक जी, दिस इज ऑल द स्टेंट आर परफेक्टली नॉर्मल। 1 स्टेंट फ्रॉम हियर टू हियर, अनदर स्टेंट टू हियर, नॉट इवन इवन 5% ऑफ रिकरेंस स्टेनोसिस। सो दैट इज अ ब्यूटी। आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ऑल द स्टेंट्स आर परफेक्टली ऑल राइट। एंड नाउ आई अगेन टुक ए लेफ्ट शॉट कि वी हैव मिस समथिंग इन LED और नॉट। सो आई डू, मैंने इनका लेफ्ट का फिर से एंजियोग्राफी करी, रिपीट एंजियोग्राफी ऑफ द लेफ्ट साइड एंड वी डिस्कवर दैट देर इज अ ब्रांच, डायगनल ब्रांच विच इज अ मॉडरेट साइज ब्रांच इज हैविंग ए स्टेनोसिस ऑफ अबाउट 60 to 70% स्टेनोसिस। सो दिस इज द रीजन वाई दिस पेशेंट हैज एंजाइना एक्चुअली डिस्पाइट निकोरेंडल एंड एवरीथिंग। यू कैन सी देयर इज अ, आई विल शो यू, सॉरी, यू कैन सी देयर इज अ 60 to 70 or 80%। यू कैन, वेरियस व्यूज वर टेकन, वी डिस्कवर्ड इट इज एटलीस्ट 70%, इन सम व्यू इट इज 60%, इन सम व्यू इट इज 80%। सो वी थॉट एंड वी डिस्कस विद द पेशेंट दैट लेट अस डू एंजियोग्राफी, सॉरी एंजियोप्लास्टी ऑफ दिस आर्टरी ऑल्सो एंड देन फ्रॉम द रेडियल आर्टरी। शो मी योर हैंड, वी हैव
from the posterior has been done from the radial or wrist artery, and we then discussed with the family if you have angina in this patient and there is no other stenosis, this is the most probably culprit artery. And then we quickly went to do the procedure of angioplasty. I'll show you the steps. मैं आपको steps दिखाऊंगा angioplasty के. First of all the guide wire through the, and then this is the balloon inflation 1.5 millimeter. I took 1.5 millimeter balloon in always. If the artery size is 2 millimeter or 2.5 millimeter, or so I will start with 1.5. Sometime people start jumping with a 2 millimeter balloon pre-dilatation. I don't agree. I think better the smaller size, because sometime you have dissection. अगर 2 millimeter balloon लेते हैं तो कई बार dissection होने के chances होते हैं, and that makes the procedure a little more complicated. So be safe. Try to do the minimum size pre-dilatation, and after that we did a stent implantation. This is a stent. After that we this is a stent across the ब्लॉकेज. ये स्टेंट है ब्लॉकेज के अक्रॉस में, और इसको हमने स्टेंट लगा दिया. और स्टेंट लगाने के बाद आर्टरी हैज बिकम परफेक्टली नॉर्मल. आई विल शो यू. सो ये देखिए, स्टेंट लगने के बाद देयर इज नो ब्लॉक हियर. दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल वेसल. नाउ इफ यू कंपेयर दिस वर्सेस दिस वर्सेस दिस, यू विल फाइंड दैट दिस इज ए normal stent. So there are two messages, there are two learning. Angiography, dekhiye, I am very happy that patient was having a full thought process ki inko check karake apne heart ko theek rakhna hai. That is why he came back. Lot of patients, they don't come back for angiography. Kehte dawa likh diji doctor sahab, humko ek hi baar to dard hua hai, baar baar to hua nahi hai, agli baar hoga tab dekha jayega. So don't wait for the second time. If you have angina, you should do angiography. Agar aapko angina ho raha hai to aapko angiography karni hai. This is a message number one. Second message is ki stent should always be checked. Although I told you that 2% cases will have recurrence, 2%, but fortunately, and in my I have a blessing of God, I would say that hamare cases mein recurrences are very very rare. Yes. But still I want to check it, because we had put a very complicated, it was a complex angioplasty of right coronary artery. Right coronary artery ki angioplasty complex thi, isme long stent lage the, there was disease all through from the proximal end to the distal end, and we had deployed 2 stents. Humne 2 stent lagaye the lambe lambe, I think 38 mm or 33 mm ke stent the. So I was not too sure. Humne ho sakta recurrence ho gaya ho, so let me check. So I was pleasantly surprised. Mujhe bahut khushi hui jaan ke ki there was no stenosis, there no instant stenosis. Then he had a clear cut angina, which was relieved by sorbitrate. So we had to discover something else, and we found the diagonal branch of LAD. Diagonal branch LAD, जो कि 2.5 मिलीमीटर से 2.75 मिलीमीटर की आर्टरी थी, अच्छी खासी है. उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस है, जिसके अंदर सेकेंड स्टेंट लगा दिया. सो एंजियोप्लास्टी इज अनदर मैसेज. एंजियोप्लास्टी इज लाइक डेंटल ट्रीटमेंट. एक दांत खराब है तो आपने दांत का आरसीटी करा लिया, दूसरा दांत खराब हुआ तो आपने उसका निकलवा दिया, तीसरा दांत खराब हुआ फिर आरसीटी करा दिया. तो सिमिलरली इन दिस केस इट्स लाइक ए डेंटल ट्रीटमेंट. Once you have one disease of artery, you have do RCT of one tooth, you do RCT of another tooth. So this is like a dental treatment. I remember always Patrick Saraz, who was one of the very senior cardiologists from Rotterdam, Holland, from Erasmus University, where my father used to work in 1975, in the same university, Rotterdam. He was a man. He said angioplasty is like a dental treatment. So don't get worried if you have to put another stent. So don't get worried. So agar stent dusra lagana pad raha hai, to iske liye chinta ki baat nahi hai. Aur जहां तक हो नसें खुलती रहें. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फॉलो योर पेशेंट्स एडवाइस. वंस अगेन, मैं डॉक्टर की सलाह जरूर माने, और अपने ध्यान रखें और अपने शरीर का ध्यान रखें. भगवान ने एक ही दिल दिया है, उस दिल ही एक दिल एक मंदिर. कौन सी पिक्चर आई थी? अच्छा, ये गाने के शौकीन अशोक जी गाना सुनाएंगे आज नहीं, तो अगली बार जब करेंगे तो अशोक जी गाना सुनाएंगे, केवल गाना सुनाएंगे. थैंक यू डॉक्टर बेगोदर फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ न्यू स्टेनोसिस व्हिच हैज स्लाइटली प्रोग्रेस्ड. Led to angina, another stent, fourth stent, and we have a staff here working on the day of Raksha Bandhan, Madam Komal Mishra, and the other staff who are in the polo. Still, we are working on the day of holiday. It's a great thing, eh? And that is why we always feel that छुट्टी हमको मिलनी चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है. Thank you very much, Dr. Vegotharam Apollo, on 19th August 2024. Happy Raksha Bandhan once again to everybody.